अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरा नाम उमर है, अपनी दुकान फैसलाबाद के अंदर है, आदल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको थ्री फेस का सर्वो मोटर स्टेबलाइजर 25 KVA चेक करवाएंगे। इसमें लॉन्ग टाइम डिले भी है, शॉर्ट टाइम डिले भी है, इनपुट आउटपुट के वोल्टेज भी है, सारा फंक्शन भी आपको समझाएंगे। इसके अंदर क्या लगा हुआ है, मशीनरी क्या लगाई है, आपको मशीनरी भी दिखा देंगे। ये है सर्वो मोटर स्टेबलाइजर थ्री फेस में। सबसे पहले मैं इसका फंक्शन आपको समझा दूं। इसकी एलसीडी ऑन है ना, जब हम इसको ऑन करेंगे, इस बटन को बाहर के ऊपर रहेगा ना, जब ये इसका बटन देखें बाहर रहेगा तो इसका लॉन्ग टाइम डिले आ जाएगा, 3 मिनट का डिले है। और ये वाले बटन को अगर हम फ्रंट के ऊपर ओपन करते हैं बाहर को, तो ये हमें आउटपुट के वोल्टेज बताएगा, अंदर को प्रेस करेंगे तो ये इनपुट के वोल्टेज बताएगा। अभी ये टाइम डिले सिस्टम के ऊपर लगा हुआ है, हम इसका टाइम डिले शॉर्ट करते हैं तो अभी ये ऑन हो जाएगा। बैक साइड के ऊपर मैंने एक 500 वाट का एक राड लगाया हुआ है और ये इस टाइम ऑन हो चुका है। सबसे पहले इसकी एलसीडी के फंक्शन समझ लें। ये मेरे पास इनपुट के वोल्टेज बता रहा है, इसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। ये देखिए कॉइल की आपको आवाज़ आ रही होगी ठीक तरह से। बैक साइड के ऊपर 3 पंखे लगे हुए हैं, बैक साइड भी आपको दिखा देते हैं इसका। ये देखें, ये इनपुट के वोल्टेज आ रहे हैं 180 और ये हर फेस के ऊपर 220 के करीब वोल्टेज बना रहा है। एलसीडी के ऊपर इसकी ये देखें, ये पावर फैक्टर है जिसके ऊपर लोड है। अभी बी फेस के ऊपर हमने लोड लगाया हुआ था, उसका तकरीबन 1 पावर फैक्टर है, बाकी 2 के ऊपर लोड नहीं लगाया हुआ है। इसको हमने सिंगल फेस के ऊपर कनेक्ट करके चलाया हुआ है। आउटपुट के ऊपर इसके 500 वाट लोड चल रहा है, जबकि इनपुट के ऊपर 450 वाट तकरीबन लोड है। आउटपुट के ऊपर 500 वाट इसका लोड चल रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन में ये हमें बताएगा जी कि वोल्ट एम्पेयर क्या है और ये क्या इसका सिस्टम चल रहा है। आगे ये वाट बताएगा, 501 वाट वही आ गया, दोबारा स्क्रीन आ गई। फ्रीक्वेंसी बताएगा हर्ट्ज़ के, 50 हर्ट्ज़ इसकी चल रही है। नीचे ये किलो वाट आवर भी बताएगा कि कितने ये घंटे चल गया। आगे ये वाट बताएगा, वोल्ट अम्पेयर बताएगा और ये अम्पेयर भी बताएगा। नेक्स्ट ये देखिए, ये अगली स्क्रीन के ऊपर ये अम्पेयर बता रहा है। पहले फेस के ऊपर कोई नहीं अम्पेयर चल रहे, बी वाले के ऊपर 2 अम्पेयर चल रहे हैं, सी वाले के ऊपर भी कोई अम्पेयर नहीं चल रहे। और ये दोबारा वही स्क्रीन आ गई, डिफ़ॉल्ट 220 वोल्ट आउटपुट दे रहा है, जबकि इनपुट के ऊपर 190-170 वोल्ट तीनों के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि हमने इन तीनों को कनेक्ट किया हुआ है ऐसे कि इसकी इधर इनपुट के ऊपर ये देखें, हमने 3 फेस ऐसे कनेक्ट किए हैं, हमारे पास 3 फेस की बिजली मौजूद नहीं है। नेक्टर लगा गई है, साकड़ के ऊपर हमने एक लोड लगाया हुआ है। जब हम इसका अगर कोई मसला वगैरह आ गया तो इसको आप बाईपास भी कर सकते हैं, ठीक है, जितना करंट आएगा उतना ये निकाल देगा। अगर आपने स्टेबलाइजर को चलाना है तो इसके रेगुलेटरी सिस्टम को ऑन करेंगे और ये 5 सेकंड में ऑन हो जाएगा। वर्किंग की परफॉर्मेंस इसकी आप चेक कर लें, ये अच्छी वर्किंग की परफॉर्मेंस है जी। आउटपुट बिल्कुल स्टेबल है, अच्छी चीज़ है, ये देखिए ठीक है जी। ये सारा सिस्टम ओके हो गया जी, आपको चेक करवा दिया है। और ये इसकी आउटपुट की है, इधर से आपने ये देखेंगे इनपुट का एक स्टिकर आपके साथ मिलेगा, आपको ए बी और सी इनपुट के ऊपर। ये सेंटर वाली नेगेटिव है, इसके ऊपर भी एक स्टिकर लगा हुआ है 0। इनपुट ए बी सी देंगे, आउटपुट आप इसकी ले सकते हैं। अगर आप सिंगल फेस के ऊपर अकेला फेस के ऊपर आउटपुट लेते हैं तो ये मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। ये इधर ये देखें, ये हमने नेगेटिव लगाया जी। ये पहले फेस नंबर ए के ऊपर 224 वोल्ट है हमारे पास, ये इधर आप चेक कर लेंगे। ए के ऊपर 224 वोल्टेज हैं, ये आगे बी के ऊपर भी 223-224 वोल्टेज हैं, ये एक्यूरेट मीटर है। और सी के ऊपर भी ये 224 वोल्ट बिल्कुल एक्यूरेट वोल्टेज हैं। ऐसे ही ये जब आप ऑन करेंगे इसको, इधर 2 सराख लगे हुए हैं, इधर से आपने तारे निकाल देनी है आउटबार, ठीक है। बैक साइड के ऊपर 3 पंखे लगे हुए हैं, मैं आपको एक एक्स्ट्रा इसकी वीडियो बना के ना देता हूँ। ये ढक्कन इसके ऊपर लग जाएगा, कनेक्ट करना है आपने और इसको ब्रेकर को आपने ऑन कर देना, बस और कोई काम नहीं करना, बाकी सारा इसने खुद ही मैनेज करना है। मीटर का फंक्शन हर चीज़ आपको समझा दी है, इनपुट आउटपुट वोल्टेज आपको सारा समझा दिया, गाइड कर दिया जी। और इसको सिर्फ आपने इंस्टॉल करना है, कनेक्शन देख के सही इंस्टॉल करना है। ये पीस है 25 KVA में। इसमें अगर आपको थ्री फेस में बड़े पीस चाहिए तो भी आप रब्ता कर सकते हैं, छोटे पीस चाहिए सिंगल फेस में तो भी आप रब्ता कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान के हर शहर में हम डिलीवर कर सकते हैं, अच्छा माल हम तैयार करते हैं, गारंटी वाला माल तैयार करते हैं, कापर वाला माल तैयार करते हैं। हमारे पास इसकी प्राइस अगर आपको चाहिए तो आप 03037742123 व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएं, आपको इसकी प्राइस भी मिल जाएगी। इसके साथ साथ फ्रिज के स्टेबलाइजर हो गए, बैटरी चार्जर हो गए, सोलर MPPT हो गए, साइन वेव UPS हो गए, पूरी मेन लाइन की सप्लाई होगी। किसी भी चीज़ की आपको प्राइस चाहिए 03037742123 व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करें, आपको हर चीज़ की पिक्चर भी मिल जाएगी, इनसाइड व्यू भी मिल जाएगा, प्राइस भी मिल जाएगी। पूरे पाकिस्तान के हर शहर में हम कार्गो भी करवा सकते हैं,
डिलीवरी भी करवा सकते हैं घर के एड्रेस के ऊपर, अगर आपको चाहिए तो हम घर के एड्रेस के ऊपर भी आपको बाहिफाजत भेज सकते हैं। हमारा जितना भी माल होता है कापर वाइंडिंग वाला माल होता है, गारंटी वाला माल होता है, हम चाइना कापर का काम नहीं करते। इसकी ये फ्रंट साइड है जी, साइड इसकी आपको चेक करवा देता हूँ। ये लाइन, ये आपको इसकी मैं साइड चेक करवा देता हूँ। ये इसकी एक साइड है, इसके ऊपर ये दो कनेक्शन दिए हुए हैं तारों को आउटपुट लेने के लिए। नीचे व्हील लगाए हुए हैं, हैवी ड्यूटी व्हील्स हैं। बैक साइड के ऊपर तीनों हीट सेंसर फैन है, ये एक दो और ये तीन पंखे लगे हुए हैं। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, VIP चीज़ है, कमाल की चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है जी। तीन कॉइल लगे, एक कॉइल इसके पीछे लगा हुआ है। ये मीटर है और फ्रंट के ऊपर ये डिस्प्ले है। वीडियो अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें मेहनत लगती है, टाइम लगता है वीडियो बनाने में। और मेरे से अगर कोई आपने माल शाल खरीदा हुआ है, कोई सामान वगैरह खरीदा हुआ है तो कमेंट नीचे किया करें, ताकि दूसरे भाई जो हैं अपने उन सब की हौसला अफजाई हो सके। टाइम लगता है, लाइक ज़रूर करके जाएँ, सब्सक्राइब करके जाएँ। किसी की चीज़ किसी भी चीज़ की प्राइस चाहिए, व्हाट्सएप के ऊपर तशरीफ लाएँ, आपको पिक्चर भी मिलेगी, प्राइस भी मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।